I think it's an amazing initiative by the organizers. It's an amazing initiative by the organizers to motivate us to work harder on our fitness. Because ye recognition se hume actually aur motivation milta hai that we work hard on our body, on our well-being, on our fitness. And you know, this is like a validation for our effort that we put in, day out, every day. You know, because for me especially, it's very important that, I mean, it's a well-known fact that I have a very busy schedule, but despite of that, I always take out time for yoga, for fitness. जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ एसेंशियल कि आप अपना सिर्फ एवरी डे का, अगर आप सिर्फ आधा घंटा भी निकालो, जस्ट यू गिव 30 मिनट्स एवरी डे टू योर फिजिकल एक्सरसाइज, या इन एनी फॉर्म, यू नो, बी डांसिंग, बी योगा, बी जस्ट वॉकिंग इवन फॉर 30 मिनट्स, दैट विल ऑल्सो मेक अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर लाइफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एक्चुअली हाईलाइट द वैल्यू ऑफ फिटनेस. एंड आई Thank the organizers for this kind of for recognition. Thank you. Hi everybody. First of all, let me wish you all a very happy International Yoga Day. I think it's a day for us to be very proud that this is something we took it to the entire world, and the whole world is embracing this. I fell in love with yoga while I was going to college in America. This is our art form, and it's time that we embrace it, we own it, we celebrate it, and we share it. And when you work with yoga, it is not just one thing. Your whole being gets vibrant. So, personal tips. Make sure you give yourself at least half an hour every day in anything. Let it be walking, let it be breathing, let it be yoga, let it be Pilates workout, kuch bhi ho. Just give yourself that half an hour, so your body, the only vehicle that you have, will thank you. Yoga mere liye nahi, I think bahut sare logon ke liye important hai. Yoga ne hamare desh mein janm liya hai. योगा हमारे देश की सभ्यता है, और हमारे देश को छोड़कर आज योगा सब जगह फेमस है. योगा को आज सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, योगा से अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को, बीमारी को सब ठीक कर रहे हैं. सो आई थिंक योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीबडी, बट आई थिंक इंडिया को और ज़्यादा योगा प्रमोट करने की ज़रूरत है. मेरा फिटनेस मंत्रा है, कम खाओ और थोड़ा योगा ज़्यादा करो, और खुश रहो, अंदर से हैप्पी फील करो, अंदर से फिट फील करो. दैट्स इट. एक्चुअली ये थोड़ा सा अनमैनेज लगता है मुझे, बिकॉज योगा ने बहुत लोगों को लाइफ दी है, योगा ने बहुत लोगों को, इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज़ में योगा बहुत फेमस है, हमारा योगा पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है. आई थिंक हम लोग छोड़कर उनका जिम हम लोगों ने अपना लिया है, और ये सारे प्रोटीन्स बार्स और प्रोटीन पाउडर्स और उन सब चीज़ों में चले गए हैं, विच इज़ रियली रियली अनफेयर, विच आई फील. सो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा जिम में जाना चाहिए. अगर आप लोगों ने देखा हो तो जिम में बहुत लोगों की डेथ हो रही है वेट उठाकर, और हार्ट अटैक आ रहे हैं. सो आई थिंक योगा में ऐसा कुछ नहीं है. योगा आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से फिट करता है और लॉन्ग लाइफ देता है. थैंक यू.